वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल इन्फो हब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी पहुँचती रहें। तो आइए हम बगैर टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपके सामने एक इंटरफेस शो हो रहा है। ये पाकिस्तान नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आप आसानी से इस वेबसाइट को सर्च कर सकें, वेबसाइट तक रसाई हासिल कर सकें। तो थोड़ा सा नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये जो आज जॉब्स अनाउंस हुई हैं उनका एड यहाँ शो हो रहा है। जब आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐड शो हो जाएगा। इस ऐड के अंदर आपको जो जॉब्स आज अनाउंस हुई हैं उनकी डिटेल आपके सामने है। मैट्रिक तक की तालीम मांगी गई है, उसके बाद मिडिल पास भी ये जॉब हासिल कर सकते हैं। इस जॉब की डिटेल आपके सामने है। बुक बाइंडर, लास्कर, एमडी ड्राइवर एक्सेट्रा, खादिम मस्जिद, जूनियर टाइम, पुलिस कांस्टेबल, मौजन, ड्रेसर एक्सेट्रा, आपके सामने ये इनकी डिटेल है। ये इस ऐड का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो मोर का 15 मई तक 29 मई 2022 तक होगी। तो उनकी ये वेबसाइट, ये ऐड के नीचे आपको शो हो रही है ये वेबसाइट www.joinpathnavy.gov.pk। ये आपके सामने वेबसाइट लिखी हुई नज़र आ रही है। आप यहाँ से भी ये लिख के सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ऐड है इसके सबसे नीचे ये जो सेंटर है वो लिखे हुए हैं। अहमदाबाद, पेशावर, हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान, गिलगित बल्तिस्तान, लाहौर, मुल्तान, मुजफ्फराबाद। आप ये जो आपके सिलेक्शन सेंटर हैं ये यहाँ यहाँ आप सिलेक्ट हो सकते हैं। तो आइए हम इसके ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस देखते हैं कि वहाँ हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम इसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। जब यहाँ आप दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके अंदर ये आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि ये आप इस वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो सकते हैं। उसके बाद तहरीरी इम्तिहान होगा। उसके बाद जो इम्तिहान का नतीजा होगा वो आपके सामने हो जाएगा। तिबी मुआयना उसके बाद होगा। उसके बाद डिफरेंट किस्म के टेस्ट होंगे। उसके बाद जो है वो इसकी शराइत और हदायत आपके सामने लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं बआसानी। उसके बाद अब आप अपनी ऑनलाइन अप्लाई की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा, सेकंड नंबर पे रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी, उसके बाद रिजल्ट शो होगा। तो आइए हम अपने स्टेप वन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये रजिस्टर फॉर्म शो हो जाएगा। यहाँ आप किस ब्रांच में करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं पुलिस कॉन्स्टेबल में अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये देखें ऊपर उसकी एज शो हो रही है। 18 से 25 साल तक के जो लोग हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है उसकी 5.7 इंच मांगी। आई साइट जो है वो 6x6 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद जब हमने ये कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सिविलियन कैंडिडेट हो आप, सर्विस कैंडिडेट हो, हम सिविलियन पे हैं। उसके बाद आगे आपकी मैट्रिक जो है वो आपकी मैट्रिक साइंस के साथ हो, उसके मार्क्स यहाँ आप लिखेंगे, उसके बाद टोटल मार्क्स यहाँ होंगे। उसके बाद बोर्ड जो है आपकी किस बोर्ड से आपने किया, आप लाहौर बोर्ड के हैं लाहौर लिखेंगे, रावलपिंडी बोर्ड के रावलपिंडी सेलेक्ट करेंगे, फैसलाबाद के फैसलाबाद सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना फुल नेम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ अपना बेफाम या CNIC लिखेंगे। उसके बाद यहाँ आप अपने फादर का नेम लिखेंगे या कोई गार्डन आपका है उसका नाम लिखेंगे। ये उन्होंने एग्जाम्पल आपके सामने दी हुई है। ये देखें CNIC की एग्जाम्पल। उसके बाद ये आपके सामने नेम की एग्जाम्पल। उसके बाद ये जो फादर का CNIC है उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। फादर
अगर जो है वो मेल है या फीमेल है, जो आपका गार्डियन है वो फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप लिखेंगे, पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। उसके बाद आपकी जो हाइट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी 5.4 है, 5.0 है, 5.1 है, 5.2 है, जो भी एक्सेस रहा। उसके बाद आपका जो मेटीरियल स्टेटस है वो सिंगल हो, मैरिड हो, जो विडो हो और या डिवोर्स हो गया आपको, यहाँ इन चारों में से एक सिलेक्ट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यही सिलेक्ट कर लेता हूँ, डेट ऑफ बर्थ भी मैं यहाँ रैंडमली कुछ लिख लेता हूँ ताकि हम अगला प्रोसेस हमारे लिए आसान हो। यहाँ भी कोई रैंडमली, बल्कि यही उठा के कॉपी करके मैं लिख लेता हूँ यहाँ, ताकि हमें अगले फॉर्म पे जाने के लिए कोई दुश्वारी का सामना ना हो। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। अच्छा जी, फुल नेम जो भी है आपका वो लिख दें। ये मैंने लिख दिया जी नाम। अच्छा जी, उसके बाद रिलीजियन आ जाता है, इस्लाम है, अगर कोई क्रिश्चियन है क्रिश्चियन लिख दे, सिख है सिख लिख दे, क्रिश्चियन है क्रिश्चियन लिख दे, अहमदी है अहमदी लिख दे, अगर अदर है तो अदर लिख दे। उसके बाद जो आप रूलर है या अर्बन है, रूलर है ऑब्वियसली मैं रूलर ही सिलेक्ट हुआ हुआ ऑलरेडी, यही रहने दूंगा। उसके बाद जो प्रीवियंस है वो हमारा पंजाब है, आपका खैबर पख्तूनख्वा भी हो सकता है, आपका सिंध भी हो सकता है, बलोचिस्तान भी, फाटा भी, आजाद कश्मीर भी हो सकता है। उसके बाद जो आपका पोस्टल एड्रेस है, यानी कि जो आपके घर का एड्रेस है, वो आपने यहाँ लिखना है। मैं एग्जाम्पल के लिए एक एड्रेस लिख रहा हूँ, चलिए। उसके बाद जब आपने एड्रेस लिख लेना है तो फिर आगे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 03 01 666 7374, आपका कुछ भी हो सकता है, ये मैंने अपना लिखा है। उसके बाद अल्टरनेटिव टेलीफोन नंबर, कोई उसके इसके अलावा कोई आपके पास फोन नंबर है तो आप वो लिख दें। उसके बाद ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस आपने वो लिखना है कि जो जिसके ऊपर आपको ये मेल आए। इसके बाद ये आपको मेल कंफर्मेटिव मेल भी आएगी। मैं अपनी जो यहाँ मेरी ऑफिशियल मेल लगी हुई है मैं उसको क्लिक करूँगा और उसका लिंक मैं वहाँ दे दूँगा। ये देखें मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन सेंटर, अब आपके जो आपने देखना है कि आपको करीब कौन सा सिलेक्शन सेंटर लगता है, लाहौर लगता है, एबटाबाद लगता है, डीजे खान लगता है, फैसलाबाद, कराची, मुल्तान, पिशावर, कोयटा, रावलपिंडी एक्सेट्रा, जो भी आपको करीब लगे वो आप यहाँ अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें उन्होंने एक फौरी तौर पे नोट हमें सेंड कर दिया है कि प्लीज़ नोट द सिलेक्शन सेंटर वंस सिलेक्टेड विल बी नॉट बी चेंज्ड। अगर आपने एक बार अपना जो है वो सिलेक्ट कर लिया उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। सो सिलेक्ट द सेंटर केयरफुली, आप अपना जो सेंटर है वो केयरफुली सिलेक्ट कीजिएगा। तो मैं फैसला बात करता हूँ, ओके। उसके बाद हम सबमिट फॉर्म करेंगे।